नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार और आज मैं जा रही हूँ फिर से चौराहा। दो दिन पहले गई थी संतान सत्तिनी का छल्ला बदलाने चांदी का उंगली में पहनने वाला, तो दुकान बंद थी। उन्होंने बोला था दो दिन बाद आना, तो दो दिन बाद का तीन दिन बाद जा रही हूँ। अब देखती हूँ खुला होगी दुकान की नहीं, खुला होगी क्योंकि फर्नीचर का काम आधे से ज़्यादा हो गया था, तो तीन दिन बाद जा रही हूँ तो हो सकता है खुल गई हो। बोल भी रहे थे कि दो दिन बाद खुल जाएगी, काम चल रहा था, दुकान बंद किए थे, एक हफ्ता से ज़्यादा बंद रही है। आज जा रही हूँ फिर से, देखती हूँ दुकान खुला होगी कि नहीं। जा रही हूँ बदला के लाती हूँ संतान सत्तिनी का छल्ला, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ना होता ना तो मैं इतनी आलसी हूँ कि वो रख ही रहता, पता नहीं कब जाती। जब कोई बहुत ज़रूरी काम होता है या वहाँ से निकलती तभी जाती, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मलमास पड़ गया है, बदलाऊँगी नहीं तो नया लेना पड़ेगा। इसकी वजह से और ये है कि उसी में बदला के दूसरा ले लेती हूँ, मलमास की निशानी डलवा लूँगी और मेरा छल्ला भी बन जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। नहीं पूरा खरे तो कोई ज़रूरी ना रहता, बार बार चक्कर ना काटने पड़ती सुनार के, लेकिन ज़रूरी है, जाना पड़ रहा है। ज़रूरी ना होता तो मेरी चांदी की चूड़ी रखी हुई है, पूजा में पहन लेती किसी को, एक दो दिन पहने रहती मेरा काम हो जाता, लेकिन मलमास पड़ गया तो बहुत ज़रूरी है बनवाना। नहीं भराऊँगी उसको तो नया लेना पड़ेगा, या तो चूड़ी लूँगी या तो चांदी का छल्ला मिली पहनने वाला लेना पड़ेगा। इसकी वजह से जा रही हूँ कि काय को नया लें, उसी में भराए ले रही हूँ, मलमास की चांदी पड़ जाएगी और मेरा छल्ला भी बन जाएगा। दोस्तों जा रही हूँ, जल्दी से ले आती हूँ। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, जब तक वो काम हो ना जाए ना तो बड़ी टेंशन रहती है। मेरे को लगता है कितनी जल्दी चांदी का छल्ला मेरा बन जाए, क्योंकि रक्षाबंधन बाद पता नहीं किस दिन संतान सत्ती पड़ जाए तो बड़ा झंझट लगता है, फिर भागो लेने जाओ। तो इससे अच्छा पहले काम करके करवा के रख लो वो सही रहता है। जा रही हूँ, ले आ रही हूँ। रानी तुम नहीं चल रही हो, इसको देखी कैसी लेती हूँ। ए तुम नहीं चल रही हो, नहीं चल रही हो। आज रानी हमारी नहाने की है, बिट्टू भैया के साथ नहाया, मम्मी भी लेट गई। इसको लग रहा है कि कहीं जा रही, इसीलिए मेरे आगे पीछे घूम रही है, यहाँ आके लेट गई है। जाने को मिलेगा मुझे, डरपोक कहीं की बाहर जाती है तो लेटे लेटे चलती है, वहाँ चौर आ जाओगी तुम क्या। जा रही हूँ, ले आती हूँ जल्दी से। इन लोगों का काम हो गया साहिल बिट्टू का, तो ये दोनों लोग कहे कहे नहीं आज मेरे साथ जा रहे हैं। इनका काम उस दिन करवा दिया था मैंने, मेरा काम नहीं हुआ था, लौटना पड़ा था मुझे, आज मेरा काम है तो ये लोग जा नहीं रहे मेरे साथ, ये बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। इनको मनाना पड़ रहा है, चलो चलो चलो, जा नहीं रहे हैं। मेरा इतना काम ज़रूरी ना होता ना, मुझे ज़रूरी भी नहीं था जाना। जा रही हूँ, खुला नहीं होगी तो दूसरी दुकान देखूँगी सुनार की, वहाँ से ले आऊँगी और लेके आऊँगी। बार बार जाना ना बड़े उलझन मस्ती है, जाओ फिर लौटो, जाओ फिर लौटो। इसकी वजह से उसी की दुकान में और जा रही थी, क्योंकि उसी की दुकान का है बदलाने में कम करदा करता है, और दूसरी की दुकान की चांदी हो दूसरी की दुकान में जाओ किसी और सुनार के यहाँ तो ज़्यादा करदा करता है। इसी चक्कर में थी कि उसी के यहाँ हो जाए काम तो सही रहे, और उसी के यहाँ जाते भी रहते हैं तो आदत भी है, तो दूसरे सुनार के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, छोटा मोटा काम उसी के यहाँ करवाते रहते हैं। इस चक्कर में चार चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो सुनार भाई साहब के भाव बढ़ रहे हैं, एक हफ्ता से दुकान नहीं खोल रहे हैं। क्या करे बेचारा, काम करवा रहा है ना, फर्नीचर लग रहा था पूरी दुकान में, इसी चक्कर में दुकान बंद है। चलो भाई साहब चलते हैं, बिट्टू भैया चलो चलो, रानी बाहर आ जाओ,
ऊपर नहीं चले, छत में चले, चलो चलो छत में चलना, चलो चलो जल्दी से चलो आ जाओ। छत में बोल दिया तो बड़ी जल्दी आई, निकल के आओ, छत में जाना, छत में जाएगी। अरे ते गिरा दिया ना तेल, क्यों गिरा दिया, उठाओ उसको नीचे आके, चलो उतरो नीचे। गिरा देती है सामान, फिर देखा करती है कि क्या गिरा, बिगड़ा कि नहीं। तेल होता ना तो मेरे को नहला देती तेल से, क्यों चलो नीचे आप बिट्टू, चलो। क्या है ढूंढ रही है, फोन, चलो चलते हैं, इसे लगी रहेगी, टाइम हो गया, पागल है, नहीं दे रहा था फोन, ले गया फोन, अब कैसे खेलोगी, चलो नहीं बंद की पर्स कहाँ है, दोस्तों मम्मी की दुकान पर मैं भी जा रहा हूँ। इसके बच्चे हो गए, हो गए इसके बच्चे, इसके दो बच्चे हुए हैं काले काले, वाह सही में, सही में पानी आने काम हो गया, मेरा बड़ी गर्मी लगी, पानी ले आ चलो जल्दी से पानी पी लेना, अरे हवा में बैठने दो।
पानी ले आती हूँ, पानी वहाँ रखा होगा, लगाती हूँ। छल्ला दिखाओ कैसा बना है। मेरी मेरी उंगली में आएगा तो मैं ले लूंगा। तसल्ली लो दिखा रहे हैं। ये वाला थोड़ी तुम्हें पहनाऊंगा आपको। मेरे को लोहे का बना देना। लोहे का बनवा देना। लोहे का क्या करूँ पहन के, तुम छोटे हो, क्या जरूरत है अभी पहन के। जरा से छल्ले के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा था, पूजा के चक्कर में संतान सकते हैं। पहले चांदी की चूड़ी बनती थी, पहले दादी लोग थी ना हमारी पहने रहती थी, हम लोगों से कपड़ा सिलवा लेती थी कि चांदी ना घिसे, और ये कटा होता है ना, ये कटा है तो ये लग जाता है, चांदी की चूड़ी होती है तो हाथों में लग जाती है काम करते समय नहाते समय। तो अब सुनार ना चांदी का छल्ला बनाने लगे, क्योंकि आजकल अब कोई चांदी की चूड़ी पहनता नहीं है हमारे फैशन के, तो ये बनाने लगे हैं कि उंगली पे पहन लो, क्योंकि चूड़ी पहनी जाती है ना, तो इसको पहने रहते। मेरे दो थे तो एक खो गया था, एक बचा है, तो कई बार इसको बदला चुके मलमास में, तीन साल में या पाँच साल में पड़ता है ना मलमास। पहनो अब जाके मेरा काम हो गया। पहनो पहनो अभी थोड़ी पहनूंगी, पागलों का नया बनवा के लाए, पूजा करूंगी संतान सप्तमी को तब फिर पहनूंगी, अभी थोड़ी पहनूंगी। पुराना तो सब पहन लेते, पुराना वाला दिया है उनको, टूट गया था ना, देना नहीं पड़ेगा, इतना तो बेचारा वो घिस गया था पूरा, जरा सा बचा था बस, तो मेरा काम हो गया जरा सी चीज का चूड़ी परेशान की। हमारे लिए इतनी जरा सी चीज बहुत बड़ी बात है, बड़ी चीज तो कुछ ले नहीं सकते हैं, इतनी जरा सी चीज में चांदी की खुश हो गए, तो मेरा छल्ला तो बन गया कम से कम 1.5 लाख का बना छल्ला। 1.5 लाख का बना शायद तेरा छल्ला। अब जा रही कपड़े बदल लूँ, फिर चाय बनाए, फिर कुछ खाना बनाएंगे, क्या बनाएंगे खाना? मैगी नहीं, चाउमीन। चाउमीन कहीं मैगी। आप कही थी कि जब भैया आ जाएगा तब बनाऊंगी, भैया आ गया बनाती नहीं हो मैगी चाउमीन। चाउमीन बना ले, कल छुट्टी रहेगी, पापा के लाएंगे, पापा तो बना देंगे, मंगाएंगे देखेंगे, कोई बोलेंगे पापा से। मम्मी क्या कर रही हो? खाना बना रहे हैं। क्या कर रही हो? चाय। दोस्तों देखो, भैया को इतनी बड़ी पसंद है कि अपने लिए इतनी सारी उबाली और मुझको एक भी नहीं दे रहा है, कहे कि मैं अकेले खाऊंगा। ये देखो फिर से हंसने लगे, ये देखो हंस रहे हैं, ये देखो मम्मी छुपते छुपाते हंसते हैं। मम्मी आपके दुलार ने पहले उबली भी नहीं थी, पहले पानी से निकाले दे रहे थे, अब उबल गए ना, पानी भी नहीं निचोड़ा है, पानी किस पिचा रहे हैं, अभी गर्म है, इनको रखना कर पानी निचोड़ दूंगी ना अच्छे से, दोस्तों ये देखिए हमारे घर के नए शेफ जो मम्मी के काम में हाथ बटा रहे हैं। मम्मी के काम में नहीं बटा रहा, अपने मन पसंद का ही ऐसा लगा। देखो 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 हंसे की तरह से, अभी चाय की बीर वाली खिचड़ी पक रही है। नहीं हनुमान का खाना है, हनुमान हनुमान की भी पेट ना भरे चाय में, इस चाय में जब तक भैया तक आया बड़ी कढ़ाई खाई नहीं, सब्जी छाप ली। अरे राम सुखा नहीं दिखा दिया, फिर से ठंडा ठंडा तेल भर देंगे फिर वो गरम होगा। इतनी दाने के अपने मचा दिए, दाने हैं दाने मूंगफली के, है मजा आ गई।
इतना नींबू भरा है, कड़ू है कड़ू। तभी तो छोड़ के रख दिया है। इसमें भुट्टे के दाने कम है इसलिए आपको कड़ू लग रहा है, क्योंकि आपने नीचे से लिया है पूरा। अरे खट्टा नीचे से लिया है आपने पूरा खट्टा है। पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो इस दोस्तों। मम्मी के धुल गए बर्तन, भुट्टे सेकेंगे नहीं, भुट्टे को पतेलेंगे। सड़े नहीं है वो, कीड़ा खा सड़े नहीं है, पानी में वो पानी में हो गए हैं। पानी पड़ा तो सड़े नहीं है ना, पकड़ा दे कढ़ाई। दोस्तों मम्मी ने यहाँ पे भुट्टा सेकना प्रारंभ कर चुकी हैं। जैसे जैसे भुट्टे सिकते जाएंगे आप लोगों के पास जानकारी पहुंचती जाएगी कितने भुट्टे सिके। अभी तो 2 लाख दाने सिक चुके हैं, नहीं 3 भुट्टे हैं तो 3 लाख। तुमने गिन लिए दाने? हाँ, इतने बड़े भुट्टे हैं, सारे भुट्टों में 1-1 लाख दाने हैं। हाँ मैंने 3 भुट्टे इकट्ठे गूंजे कि खट्टा खाएंगे हम लोग बैठ के। खट्टा खट्टा मम्मी पता है आपको कड़ू कड़ू भुट्टे खाने, काला नमक ना डालो, ये वाला नमक लगा के डालो। तुमने तो खा लिया है, बचे हाँ। 3 भुट्टे हाँ। तो तुम उससे आधा ले लेना ठीक। भाई वो जिस पे तारा डिब्बे में रखे नहीं थे, ट्रांसपेरेंट डब्बा उस पे है क्या? दोस्तों भुट्टा सिक्के तैयार हो चुके हैं, भोपू भोपू वजा धुआं देने लगे हैं, और यहाँ पे उनकी तेल लगा के मालिश हो रही है, मरम्मत हो रही है, मरम्मत हो रही है, धुआं छोड़ रहे हैं। गरम है तो धुआं नहीं छोड़ेंगे। हाँ इतना नींबू लगाऊंगी भैया का और पापा की भुगतानी ये करेंगे, सबसे ज्यादा भैया वाले पापा वाले लगाएंगे। अरे वो एक डिब्बे में भरो नींबू का रस, उसी पर डुबा दो क्या? हाँ तुमने बताया है वैसे करूँ, डुबा डुबा के दे दूँ। और तुमको? अरे हम वैसे खा लेंगे, अपना को नहीं देख रहा है कि एक नींबू आधे भुट्टा में, पूरा एक नींबू दोपहर में आधा खाया था का, आधा गूंजा था, आधा रखे रहे, पता है कहाँ रख रहा झोले में, तो शाम के आधा हाँ। आधे नींबू में डाले थे तुम, आधे भुट्टा में एक नींबू, इतना सा था भुट्टा। चलो खाने वाले तैयार हो जाओ, भुट्टे भुंज के तैयार हो गए आ जाओ ठंडे हो जाएंगे। अरे चाय को नहीं मिला, कैसे खाते हाथ से मिल जाएगा। आ जाओ यहाँ कूलर की हवा में बैठ के भुट्टे का मजा लेंगे। हाँ नीचे बैठ के खाने में ना ज्यादा मजा आया करती है। चाय खाना खाओ या चाय पियो या नाश्ता, चलो बोला भैया। पापा कहाँ गए? पापा हाथ धोने गए, सेटअप बॉक्स से कर लिए है ना, कोई न्यूज़ सुनेगा। तार टूटा था क्या? हाँ
तार टूटा? हाँ तो टूटा नहीं था, मतलब तार खराब हो गया। सही कर ने खराब मेरे दाने पड़ गए हैं डांस के। काय के दाने हैं? पता नहीं एक जगह खूब सारे हो गए थे, पता नहीं किस चीज से पड़ गए हैं। काय के वजह से दोस्तों वीडियो के यहाँ पे एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करना है।